बिहार में ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच क्या पकी खिचड़ी, किसानों पर ही क्यों टिक गई है पंजाब की राजनीति, पशुपति पारस ने भतीजे चिराग के लिए क्या कहा, आइए देखते हैं टॉप नाइन राजनीति। केंद्र से हटाए गए वरिष्ठ मंत्रियों को बीजेपी संगठन में जल्द ही अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। वैसे भी पार्टी के 3 पदाधिकारी और 1 प्रवक्ता केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, लिहाजा उनकी जगहों को भी जल्द से जल्द भरना होगा। सूत्रों के मुताबिक 7 जुलाई को इनमें से कई मंत्रियों का इस्तीफा लेते वक्त ही उन्हें संगठन में जिम्मेदारी मिलने की ओर इशारा कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। तलाक से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देश में एक कोड की आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस मामले में आवश्यक कदम उठाए। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद देश में लंबे समय से मुद्दा रहे इस मसले के राजनीतिक रंग लेने के पूरे आसार बन गए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान एसपी की महिला उम्मीदवार और प्रस्तावक से बदसलूकी मामले में दूसरे आरोपी ब्रिज किशोर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीओ और एसएचओ समेत थाने के सभी पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया है। पंजाब की राजनीति और इस बार का पूरा विधानसभा चुनाव किसानों पर आकर टिक गया है। अकाली दल ने वादा किया है कि 2022 में सत्ता में आते ही वे आंदोलन में शहीद हुए हर किसान के परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, साथ ही उनके बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के दौरान हुए फोन टैपिंग मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में कमेटी इसकी जांच करेगी। जांच कमेटी 3 महीने के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आरोप है कि 2015 से 2019 के बीच फडणवीस के शासनकाल के दौरान कांग्रेस नेता नाना पटोले के फोन की टैपिंग की गई थी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक नीरज जिम्बा ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सांसद राजू बिस्ता को मंत्रिमंडल में शामिल न करने पर निराशा जाहिर की है। विधायक ने कहा कि इससे पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं और ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी कभी भी गोरखा और उनके मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में चिराग पासवान की याचिका खारिज होने पर पशुपति पारस ने कहा कि चिराग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें सोचना होगा कि पार्टी में अभी सभी लोग उनके खिलाफ क्यों हैं। चिराग ने पशुपति पारस को एलजेपी कोटे से मंत्री बनने को नियमों के तहत गलत बताया था और हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार महंगाई रोकने में विफल रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जेडीयू में कशमकश बढ़ गई है। जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से बंद कमरे में करीब 1 घंटे से भी अधिक देर तक बातचीत की। ललन सिंह खुद कुशवाहा के आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। हालांकि मुलाकात के बाद ललन सिंह ने कहा कि कुशवाहा हमारे दोस्त हैं और इस मुलाकात का कोई दूसरा मतलब नहीं है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह के शामिल होने की भी चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।